अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कमलेश। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? दिस इज जैन राजपूत और मैं हूं आपका अपना ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनर। आज हम आपको वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कार्ब्स। इस पे बात करने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या क्या सिखाया था। मैंने आपको कार्ब्स के बारे में बताया था कि कार्ब्स क्या होते हैं, और ये भी बताया था कि इसके कितने हिस्से होते हैं, और ये भी बताया था कि BMR और RMR क्या है, डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने का बेसिक आइडिया भी दिया था। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि डाइट्री फाइबर्स क्या होते हैं और इनका हमारी बॉडी में क्या रोल होता है। डाइट्री फाइबर्स की टाइप्स बताई थी जो कि हैं सोल्यूबल फाइबर और इनसोल्यूबल फाइबर्स, और इनके सोर्सेज भी बताए थे जिनमें वीट, ओट्स, सीरियल्स, सिट्रस फ्रूट, पोटैटो वगैरह शामिल है। शुगर का फंक्शन बताया था और इनकी टाइप्स बताई थी जिनमें फ्रुक्टोस, ग्लूकोस, गैलेक्टोस, लैक्टोस और माल्टोस शामिल है। ये था हमारा बेसिक ओवरव्यू हमारी लास्ट वीडियो का। तो आज हमने बात करनी है टाइप्स ऑफ कार्ब्स पे, जो कि हैं सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। इसमें मज़ीद बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। सिंपल कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स वो हैं जो शुगर में पाए जाते हैं, और इसके अलावा कुछ टाइप्स ऐसे हैं जो मिल्क और मिल्क से बनने वाली प्रोडक्ट्स में भी पाए जाते हैं। इसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हाउ आवर बॉडी एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्ट द कार्ब्स। इसका एक प्रोसेस है जो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको बाकी चीज़ें समझने में आसानी हो। फ़र्ज़ करें हमारे पास हिट्टा है जो कि मैं पहले ही खा चुका हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने इसकी बाइट ली, सबसे पहले जाएगा मेरे गले से होता हुआ मेरे स्टमक में, और स्टमक के बाद वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में जिसकी वजह से बनता है ग्लूकोज। उसके बाद वो ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में सेल्स की फॉर्म में मूव करता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, और फिर हमारी बॉडी उस एनर्जी को यूज़ करती है। ये बन गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कि कार्ब्स हमारी बॉडी में मूव कैसे करते हैं। अब आ जाते हैं हम सिंपल कार्ब्स की तरफ। जब भी हम कोई ऐसी फूड इंटेक करते हैं जिसमें सिर्फ सिंपल कार्ब्स होते हैं, यानी कि शुगर, आप ये मत समझिएगा कि ये शुगर वही शुगर है जिसे हम आम तौर पर चीनी कहते हैं। इट्स अबाउट ऑल द सिंपल कार्ब्स। हमने कार्ब्स इंटेक किए जो गए हमारे स्टमक में, स्टमक के बाद वो गए वहाँ से मूव होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि ये सिंपल कार्ब्स हैं और सिर्फ एक मॉलिक्यूल से बने हैं यानी कि शुगर, तो ये बहुत तेज़ी से हमारी ब्लड स्ट्रीम में शामिल होते जाएंगे और ग्लूकोज में कन्वर्ट होते जाएंगे। इनकी एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन स्पीड बहुत तेज़ होती है जिसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसकी कन्वर्जन स्पीड इतनी तेज़ होती है कि हमारी बॉडी इसे फुली यूटिलाइज नहीं कर सकती, और जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर होने लग जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो भी कार्ब्स हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती वो हमारी बॉडी में एज अ फॉर्म ऑफ फैट स्टोर होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है और शुगर होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ऑल्दो कि अगर हम उस स्टोर एनर्जी को यूटिलाइज कर लें तो ऐसा कुछ भी नहीं हो। ये सब होने की वजह सिर्फ ये है कि इसकी एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन स्पीड बहुत ज़्यादा है, जो कि कार्ब्स और स्टार्च ना होने की वजह से है। What are the sources of simple carbs? Table sugar, चीनी, जिसे sucrose भी कहा जाता है। Sucrose उस टाइप के शुगर को कहते हैं जो फ्रूट्स में से निकाल के उसको प्रोसेस करने के बाद इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स आपको प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड मिल्क, थर्ड ऑल प्रोसेस फूड, ये वो फूड है जिसमें से प्रोसेस के बाद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स निकाल लिए जाते हैं, यानी कि फाइबर्स और स्टार्च, या फिर बहुत ही कम मिकदार में छोड़ दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल होल व्हीट फ्लोर यानी कि गंदम में से जब प्रोसेस के बाद ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा निकाल लिया जाता है, या फिर फ्रूट्स में से उसके न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए जाते हैं और उसका जूस डब्बों में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। इसकी लिस्ट बहुत लंबी है जिसमें बड़ी बड़ी से ना सिगरेट, सिगरेट से सलोजन, सलोजन से ट्यूब, ट्यूब पिज्जा, बर्गर, पास्ता, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, डोनट्स और भी बहुत चीज़ें शामिल हैं। जब भी हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जो सिंपल कार्ब्स की कैटेगरी में फॉल करती है तो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फिर दोबारा भूख लगने लग जाती है, और यही वजह है जिसकी वजह से हमारी शुगर क्रेविंग में भी इजाफा होता है। तो फिर हमारा दिल करता है, जो कि असल में हमारा दिल नहीं करता, सबसे पहले हमारा दिमाग करता है। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारी बॉडी हॉर्मोन्स रिलीज करती है जो जाते हैं हमारे दिमाग के पास और जाके उसे कहते हैं उठ भाई तेरे खाने का टाइम हो गया। फिर हमारा दिमाग एक मैसेंजर भेजता है दिल के पास
जो जाके कहता है कि मामू मुझे दिमाग चाचू ने भेजा है कि पैर तायाबू कह रहे हैं कि आपके करने का वक्त हो गया है। जैन साहब को बोलो कि अपने टिड में कुछ डालें, नहीं तो तुसी लगे जाना। असल में ये है वो सारा केमिकल लोचा जिसकी वजह से हमारा टिड बाहर आ जाता है। अब अगर हमारा टिड जल्दी खाली ना हो तो हम अपनी हेल्थ और अपना वेट अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिंपल कार्ब्स कम से कम इस्तेमाल करने चाहिए और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। नाउ इट्स टाइम टू एलैबोरेट द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। अब हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अच्छी क्वांटिटी में मौजूद हों। सबसे पहले वह जाएगी स्टमक में और फिर वहाँ से जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर वहाँ पर जाके उसकी लग जाएगी ब्रेक हाई फाइबर्स की वजह से। फाइबर्स डाइजेशन की स्पीड को स्लो कर देंगे और फिर आराम आराम से हमारे कार्ब्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे और हमारी ब्लड स्ट्रीम में शामिल होंगे जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज नहीं बनेगा और इसीलिए हमारी बॉडी को उसे स्टोर भी नहीं करना पड़ेगा और इसकी वजह से हमारा फैट लेवल भी इंक्रीज नहीं होगा। इसके अलावा एक और फ़ायदा भी होगा। अच्छा मैं कहता हूँ कि आप गैस करो, आपके पास 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड में गैस करो, जो भी चीज़ सबसे पहले चाचू में आए उसे आपने उसी टाइम कॉमेंट करना है और नो चीटिंग, जो चीज़ सच में आपके चाचू में आई है वही लिखनी है और ये ना हो वीडियो आगे करके देख लो और फिर लिख दो। ये तो होगा, जो चीज़ सच में है वही लिखनी है और जिस चीज़ ने सही बताया होगा उसको मेरी तरफ से एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बस अब मैं आपको बताता हूँ असल में क्या फ़ायदा होगा। तायाबू चाचू को सिग्नल नहीं भेजेंगे और ना ही हमारे मामू करेंगे जिसकी वजह से तायाबू भी बाहर नहीं आएंगे। Wait a minute. अब जिसने यही सोचा था वो कमेंट में डन लिखे और जिसने कुछ और सोचा था वो वही लिख दे। अब आते हैं हम सोर्सेस ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ। होल व्हीट, ओट्स, होल ग्रेन्स, राइस, वेजेस एंड फ्रूट्स। एक और अहम बात आपको मैं बता दूं कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को गुड कार्ब्स भी कहा जाता है और सिंपल कार्ब्स को बैड कार्ब्स भी कहा जाता है इनके फंक्शंस की वजह से। स्टार्च कार्ब्स की वो फॉर्म जो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलके बनता है और ये ठंडे पानी में हल भी नहीं होता अपने इसी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर की वजह से। ये इतना कॉमन कार्ब है कि हम इसकी बहुत सारी क्वांटिटी इनटेक करते हैं अपनी रेगुलर डाइट में। इसके सोर्सेज में व्हीट, राइस, कॉर्न और पोटैटो शामिल हैं। कॉर्न स्टार्च का तो आप सबको ही पता होगा, ये बिल्कुल वही चीज़ है। स्टार्च का जो मेन फंक्शन है वो बाकी कार्ब्स की तरह ही है, यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होना और हमारे ब्रेन और हमारे नर्वस सिस्टम को एनर्जी देना। स्टार्च की एक और टाइप है जिसे रेजिस्टेंस स्टार्च कहते हैं। ये हमारे कोलोन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद बेनिफिशियल बैक्टीरियाज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं सो दे कीप वर्किंग प्रॉपरली। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। जाते जाते आपके भाई की आपसे ज़रा सी रिक्वेस्ट है यार, मुझे ना इंस्टा पे और फेसबुक पे अपनी टीम बड़ी करनी है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट कर दें और थोड़ा सा टाइम और निकाल लें, बस थोड़ा सा टाइम और निकाल लें भाई के लिए। थैंक यू सो मच। मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं तो फॉलो और लाइक ठोक दो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, आपका अपना चैनल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और भाई को भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।